तो दोस्तों आज मैं आपके सामने कुछ बहुत ही सिंपल से और बहुत ही इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट जो कि हर एक किसी को खाने आज की डेट में बहुत ज़रूरी हो गए हैं उनके बारे में आपसे आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को गौर से सुनिएगा और आखिर तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आजकल के दौर में, जब बहुत ही, मैंने आपसे पहले भी कहा है, लाइफ बहुत फास्ट हमारी जा रही है। हमारा जो खाना पीना है बहुत ही फास्ट हो गया है, फास्ट फूड पे हम लोग डिपेंड हो गए हैं, बाहर का खाना हम लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, और इन सभी सर्कमस्टांसेस, आप कह लीजिए, या सिचुएशंस की वजह से हम लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज की डेट में फेस करनी पड़ रही हैं जो कि बहुत ही डेंजरस है हमारी लाइफ के लिए। मरना जीना तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जब तक हम जिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जिए, आज मैं आज आपको उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो गौर से सुनिएगा और आखिर तक देखिएगा। कुछ बहुत ही सिंपल से सप्लीमेंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही कॉमनली अवेलेबल होते हैं और सब मोस्टली उनके बारे में जानते भी हैं, लेकिन उनको यूज करना हम लोग भूल जाते हैं। मैं आपसे आज ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, बहुत ही फास्ट है, हमारा खाना पीना बहुत फास्ट है, फास्ट फूड हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है, और इन सभी वजूहात की वजह से, इन सभी सिचुएशंस की वजह से ना हम लोग वर्कआउट करते हैं ढंग से, ना कोई और एक्सरसाइजेस हमारी जिंदगी में शामिल हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का हमको, बीमारियों का, साइड इफेक्ट्स का, बाल अर्ली एजिंग हो गई, बाल का उड़ जाना है, स्किन का डल रहना है, एनर्जी रिड्यूस हो जाती है हमारी बहुत जल्दी, और ये सब चीज़ें, लेजीनेस है, टार्डीनेस है, बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत जल्दी हम लोग उसको फेस कर रहे हैं आजकल। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, और देखिए कि मैं आज आपको कौन से बहुत पांच चार या पांच हैं कॉमन से जो सप्लीमेंट्स हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही मैजिकल है अगर आप उनको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लें। तो दोस्तों जो सबसे पहला सप्लीमेंट मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ वो है एल-आर्जिनिन। आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा, देखा होगा और शायद यूज भी करा होगा। तो ये एल-आर्जिनिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, बहुत कॉमनली अवेलेबल है, इसकी आपको सेशन मिल जाएंगे, आजकल लिक्विड फॉर्म में भी आ रहा है और जो है वो हार्ड फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में भी आपको मिल जाता है। तो आप चाहें तो लिक्विड का यूज़ कर लें, आप चाहें तो सेशे का यूज़ कर लें, बिकॉज बहुत ही ईजीली और डिजॉल्व हो जाता है उसके अंदर और बहुत ईजीली आपकी बॉडी के अंदर घुल मिल जाता है। अब एल-आर्जिनिन हमको क्यों खाना चाहिए और उसके अंदर क्या होता है। एल-आर्जिनिन जो है आपकी बॉडी, लोग बा क्या करते हैं, अक्सर इसको खाली पेट लेते हैं, मॉर्निंग में लेते हैं या फिर प्री वर्कआउट में लेते हैं। जो लोग जिम जाते हैं वो लोग इसको प्री वर्कआउट के लिए आधे घंटा पहले एल-आर्जिनिन को ले लेते हैं। एल-आर्जिनिन आपकी बॉडी में जाकर क्या करता है, नाइट्रस और आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करता है, और जो नाइट्रस होता है वो आपकी जो मसल्स हैं, आपकी जो वेन्स हैं, उनको जो है वो पंप कर देता है। तो उस पंप की वजह से आपका जो बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है बहुत अच्छा हो जाता है और आप जो है पंप्ड महसूस करते हैं जब आप वर्कआउट करते हैं, या अदरवाइज आपको एक एनर्जी महसूस होती है। ऑब्वियसली आपका जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आपका माइंड भी बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा, आपको एनर्जी महसूस होगी, आपका ब्लड फ्लो अच्छा जाएगा, आपकी जो है ना, आपके अंदर आपको स्ट्रेंथ महसूस होगी, तो और आपका हार्ट भी इससे अच्छा रहता है जब आपकी जो है बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। इससे जो है वो खराब ब्लड जो है वो फ्लो आउट कर जाता है, अच्छा ब्लड की जो है वो सर्कुलेशन इससे बढ़ जाती है। तो एल-आर्जिनिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमनली अवेलेबल है, तो हर एक को ये एल-आर्जिनिन अपने सप्लीमेंट के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर, सप्लीमेंट स्टैक तो नहीं कहूंगा क्योंकि ये बेसिकली जिम वालों के लिए यूज होता है टर्म, लेकिन एक आम आदमी के लिए, एक आम लेडी के लिए जो कि घर में भी रहते हैं,
और हल्का फुल्का और ये जो वर्किंग है वर्किंग के लिए जाते हैं, तो उन सभी को ये चीज़ें लेनी हैं। ठीक है, मैं आज जिम वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉडी बिल्डर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम आदमी की मेरे जैसे की बात कर रहा हूँ, जो कि अपने आप को फिट रखने के लिए वर्कआउट करते हैं, ठीक है, या फिर वॉक करते हैं। तो एल आर्जिनिन आपको अपने आप अपनी जो है वो लाइफ में शामिल करना है आज ही से। दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ में, वो है विटामिन डी। ओके, विटामिन डी आपको जो है इस तरह के शॉट्स की फॉर्म में भी मिल जाएगा, और इसके कैप्सूल्स भी हैं, टैबलेट्स भी हैं, इवन इंजेक्टेबल्स भी इसके आते हैं। अब विटामिन डी हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, आप हम सभी को पता है, हम कहते हैं भाई धूप में बैठिए विटामिन डी मिलेगा, धूप से हमको विटामिन डी मिलता है, बट आज की डेट में कितने लोग ऐसे हैं जो धूप में बैठ के विटामिन डी लेते हैं। हम लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, टाइम नहीं है, तो ऑब्वियसली धूप में बैठना भी हम लोगों ने बंद कर दिया, जिसकी वजह से आज बहुत से लोगों में और ज़्यादातर लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है। और इस डेफिशिएंसी से होता क्या है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपकी बोन्स को होता है, आपको बहुत जल्दी जो है आपके अंदर पेन होना शुरू कर देता है, अर्थराइटिस के लोगों के अंदर इशू शुरू हो जाते हैं बहुत अर्ली एजेस के अंदर। तो उसके अलावा आपकी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है, आप जो है बहुत ही ज़्यादा टायर्ड महसूस करते हैं बहुत जल्दी, और जब इम्यूनिटी आदमी की कम होती है तो वो ओवरऑल आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट डालती है, आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार होने लगते हैं, और उस बीमारी की वजह से आपके जो एनर्जी लेवल है वो पूरा का पूरा डाउन हो जाता है। विटामिन डी आपका अगर इनटेक अच्छा है तो वो आपके हार्ट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं अभी इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, जो बहुत ज़्यादा आज की डेट में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं स्पेशली इन द जिम, तो वो एक इशू हमारा है, उसको हम बहुत जल्दी उसको एड्रेस करने वाले हैं, उसके क्या रीजन है, उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन विटामिन डी का इंटेक अगर आपकी बॉडी में अच्छा है और आप रेगुलरली विटामिन डी को लेते हैं तो आपके हार्ट की हेल्थ भी बहुत अच्छी उससे रहने वाली है। तो विटामिन डी को आज ही किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, ये जैसे इस तरह के शॉट्स आज के बहुत जल्द इजीली अवेलेबल हैं, आप इसको वीकली बेसिस पे ले सकते हैं, आप टैबलेट्स को रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं, इंजेक्टेबल्स जो हैं वो शायद 6-6 महीने के लिए आप इंजेक्शन लगवाइए और वो 6 महीने के लिए आपकी छुट्टी हो गई। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी एडवाइस करूँगा, बिकॉज ये हमें नेचर ने बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत ही इजीली अवेलेबल करा रखा है, तो आप सुबह के वक्त में अगर आपको मौका मिल जाए, सुबह की धूप अगर आपको मिल जाए, तो वो भी एटलीस्ट जो है वीक में जो है वो कोशिश करिए कि 2-4 दिन धूप में भी बैठा जाए, अदरवाइज तो ये सप्लीमेंट्स आपको लेने ही लेने हैं। उसके बाद जो दोस्तों जो सप्लीमेंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, इसके बारे में शायद मैंने पहले भी आपको अपने वीडियो के अंदर बताया है, वो है फिश ऑयल। ओके, फिश ऑयल कैप्सूल जो हैं इस तरह के आपको मिल जाएंगे, और जो लोग नॉन वेज हैं वो ये कैप्सूल्स ले सकते हैं, जो वेज हैं वो अलसी का फ्लैक्स सीड जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता है ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9, यानी कि ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं इसके अंदर। हमारी बॉडी को जो है फैट्स की, हेल्दी फैट की भी बहुत ज़रूरत होती है, बट मजबूरी ये है, मजबूरी तो नहीं मैं कहूँगा कि इसका उल्टा ये होता है कि हमारी बॉडी में जो बैड फैट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जिसकी वजह से सारी की सारी इश्यूज़ जो हैं, वेदर इट इज़ फॉर हार्ट और वेदर इट इज़ फॉर स्किन और हेयर्स और जो भी आपकी बॉडी के अंदर जो हो रहा है वो उस बैड फैट की वजह से होता है। ठीक है, आपने सुना होगा LDL और HDL जो है दो तरह के हमारे अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है हमारा जो ना बिगड़ता रहता है, जब भी हम बहुत ज़्यादा ऑयली या इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं या खाते रहते हैं तो हमारा जो है वो बैड जो है कोलेस्ट्रॉल वो बढ़ जाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो जाता है। तो ये जो फिश ऑयल कैप्सूल्स हैं, ये ओमेगा 3 जो हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर HDL को मेंटेन रखते हैं, यानी कि हमारे जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाते हैं और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको घटाते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी स्पेशली फॉर आर हार्ट।
ठीक है ना। हार्ट के लिए, ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ा रहे, अच्छा उसका जो है जो जो लेवल्स हैं वो सही रहें, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो घटा रहे, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका आपको डाइट में भी ध्यान रखना है, लेकिन जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि बहुत ही कॉमन सप्लीमेंट्स हैं, क्योंकि आज हम ये नहीं कर पा रहे हैं तभी आज हम इन सप्लीमेंट्स का हमको सहारा लेना पड़ रहा है। अगर आप बात करें पहले ज़माने की, लोग जो है पहले बहुत, और आज की डेट में भी अगर आप गाँव में चले जाइए, विलेजेस में चले जाइए, तो आप देखेंगे कि लोग बहुत ज़बरदस्त किस्म से खाते हैं, घी भी पीते हैं और मीठा भी बहुत खाते हैं, बट उसके साथ साथ जो उनकी वर्किंग है, उनका जो एक्टिविटी है वो भी उसी तरह की है, और उनको इस तरह कि कोई डिजीज आपको यूजुअली सुनने को नहीं मिलेगी कि कोई जो है वो हार्ट स्ट्रोक की वजह से उनको हार्ट स्ट्रोक हो गया या हार्ट की डिजीजेज हो गई। तो उसका रीजन यही है कि उनकी एक्टिविटी लेवल भी बहुत हाई होता है। लेकिन हमारा जो है वो बिल्कुल अपोजिट है, जो हमारी जिंदगी है बहुत फास्ट है और उसके अंदर हमारी जो एक्टिविटी लेवल है बहुत कम है, खाना ख़राब है, जिसकी वजह से आज हमको इन सप्लीमेंट्स का सहारा लेना पड़ रहा है। तो पहली कोशिश तो हमारी यही होनी चाहिए कि हमारा खाना पीना जो है बहुत अच्छा हो, जितना कोशिश करें अच्छा बनाने की, उसको क्लीन फूड खाने की कम से कम एटलीस्ट, तो वो कोशिश करें। अदरवाइज आपने जो है वो ये सप्लीमेंट लेना है, तो इसको भी आपने जो है डेली बेसिस के ऊपर इसको कंज्यूम करना है। इसका सिर्फ हार्ट पे नहीं, आप इसको अगर रेगुलर खाते हैं, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, आई यूज टू वेयर दी स्पेक्स, मैंने बहुत साल चश्मा पहना है और मेरी जो पावर थी वो सिलेंड्रिकल पावर हुआ करती थी। सिलेंड्रिकल पावर मतलब जो तिरछी होती है, टेढ़ी होती है, और उसको नॉर्मली मैंने जैसा उसके बारे में पता किया था कि वो ऑपरेट होकर ही जो है वो आपकी सही हो सकती है, अदरवाइज नॉर्मली नहीं हो सकती। बट थैंक्स टू दिस फिश ऑयल कैप्सूल, जिसकी वजह से मेरा चश्मा उतर गया, मेरी सिलेंड्रिकल पावर भी चली गई, एंड पीपल कुडंट बिलीव कि ये इस वजह से हुआ है। और आज भी मैं इसको लेता रहता हूँ, इससे आपकी बॉडी बहुत ही एनर्जाइज रहती है, आपका जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। तो आज ही इसको अपनी डाइट के अंदर शामिल कर लीजिए अगर आप भी ये सब फायदे चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने जैसे बताया विटामिन ए का कंटेंट बहुत हाई होता है अपार्ट फ्रॉम दी अदर बेनिफिट्स। तो इसको भी आज ही से अपनी डाइट के अंदर शामिल करिए। अब इसके बाद जो मैं सप्लीमेंट जो बहुत कॉमनली आप लोगों ने सुना भी होगा और आप लोग खाते भी हैं उसको बहुत सारे लोग, लेकिन उसको कंटिन्यूटी हमारी नहीं मेंटेन हो पाती, वो है कोई एक अच्छा मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल। अब ये हमें क्यों चाहिए, आप हम जानते हैं ऊपर वाले ने हमारी जो बॉडी बनाई है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से कॉम्प्लेक्स बनाई है, बहुत सारी इसके अंदर एक्टिविटी, एक्शन रिएक्शंस जो है हमारी बॉडी के अंदर चलते रहते हैं। अब इन एक्शन रिएक्शंस को ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से तो फ्यूल चाहिए ना, गाड़ी को चलने के लिए तेल तो मांगता है, तो वो जो तेल है, जो ऑयल है, वो हमको जैसे मैंने बताया, हम बात यही कर रहे हैं कि हमारा खाना जो है वो उस लेवल का नहीं है, जिसकी वजह से जो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स हमको चाहिए वो हमारी डाइट प्रोवाइड नहीं कर पाती है। और बहुत सारे अभी हम लोगों को मालूम भी नहीं होता है, ठीक है ना, विटामिन बी है, फॉलिक एसिड है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है विटामिन बी की पूरी जो है वो चेन है, मिनरल्स हैं, आयरन है, जिंक है, पोटेशियम है, ये सब चीज़ें हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, डेली रिक्वायरमेंट, और वो डाइट में हमें पता भी नहीं होता और हम उसको लेते भी नहीं है। लेकिन जब हमें कुछ इशू हो जाता है तब हमारे जो डॉक्टर सारी की सारी एक लिस्ट दे देते हैं टेस्ट की, तो पता चलता है कि इसकी भी डेफिशिएंसी है, उसकी भी डेफिशिएंसी है, और फिर हमको ये अल्टीमेटली विटामिन्स और मिनरल्स की जो टैबलेट्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, ये लेने पड़ते हैं। तो इससे बेटर यही है, और ये ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये बॉडी की रिक्वायरमेंट है। आपको कोई ये नहीं है कि ये कोई स्टेरॉइड्स हैं या इस तरह की कोई चीज़ें हैं जिनको खा के आपको कुछ नुकसान होने वाला है, ऐसा नहीं है। ये बहुत सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो बॉडी की नीड्स को देखते हुए बनाए गए हैं, तो बहुत ही नेचुरल किस्म के सप्लीमेंट्स हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हम अपने नेचुरल डाइट से उसको पूरा नहीं कर पाते, इसलिए हम लोगों को ये सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इसको बिल्कुल भी ये ना सोचें कि ये कोई अजीब सी चीज़ है या इन सब चीज़ों को मैं कैसे खाऊंगा, इतनी सारी चीज़ें कैसे खाऊंगा। बहुत ही कॉमन सी बातें, अगर आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो विद इन फ्यू डेज आपकी लाइफ जो है ये भी इसका, इट विल बिकम अ न्यू नॉर्मल फॉर यू, ठीक है ना।
तो बिल्कुल घबराइए नहीं। और इन विटामिन्स को भी जो है, एक किसी भी ब्रांड का आप विटामिन ले लें, बहुत सस्ते सस्ते मिलते हैं, ये सब चीज़ें बहुत सस्ती बहुत सस्ते पैसे जो है उसमें अवेलेबल हैं, ठीक है ना, दाम पर। तो आपको बहुत ज़्यादा इस पर पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, 400-500 रुपये मेरे ख्याल में मंथली आपका खर्चा आएगा इसके अंदर, लेकिन वो मोर देन वर्थ है आपकी ज़िंदगी को हेल्दी बनाने के लिए। तो इस पर कंजूसी ना करें, खाने पे ध्यान दें, खाने को थोड़ा सा क्लीन करें और ये सप्लीमेंट अपने साथ में ऐड कर लें। अब सबसे एंड में जो है, मैं आपको आप चाहें तो ये भी एक ऐड ऑन है वैसे, लेकिन मैंने इसको बहुत ही इफ़ेक्टिव पाया है अपनी लाइफ में। अगर आप इसको लेते रहते हैं तो ये आपका बहुत अच्छा आपको इफ़ेक्ट देता है लॉन्ग टर्म के अंदर। ये कोई शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं कि आपने रात खाया सुबह को पेन किलर नहीं है कि दर्द दूर हो गया, आपको धीरे धीरे करके इसका इम्पैक्ट जो है वो पता चलेगा। ये है अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है बहुत ही नेचुरल सा है, आपको पता है, और इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप इसको जो है डेली लाइफ में अपने जो है इंक्लूड करेंगे तो बहुत जल्दी आप विद इन 2-3 मंथ्स आप देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत कम हो जाता है, आपको नींद बहुत अच्छी आने लगती है, और ये डायरेक्टली और नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को। आप और टेस्टोस्टेरोन आपको पता है जो आपके जो मसल बिल्डिंग में, मसल गेन में, स्ट्रेंथ में, आपको खुश रखने में, मेंटल हेल्थ में, स्ट्रेस में, सब में सपोर्ट करता है। तो जब आप इन सब सप्लीमेंट्स को, अश्वगंधा को हो गया, ऐड कर लेंगे अपनी डाइट के अंदर, शामिल करिए इन सब सप्लीमेंट्स को अपनी आज ही से अपनी लाइफ के अंदर, मैं अपनी डाइट के अंदर नहीं बात कर रहा हूँ, अपनी लाइफ के अंदर आपको इनको शामिल कर देना है, इंक्लूड कर देना है, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली हैं बहुत जल्दी। जैसे ही आप इनको ऐड करना शुरू कर देंगे, इनको खाना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे नॉट विद इन फ्यू मंथ्स, मैं कहता हूँ कि पहले महीने से ही आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया, ये बहुत ही नेचुरल किस्म के सप्लीमेंट्स हैं, ये एक आपको क्विक रिजल्ट नहीं देने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये इनका जो है आपकी बॉडी के अंदर ये आपकी रिक्वायरमेंट्स को, जो मिनरल्स की हों, विटामिन्स की हों, गुड फैट की हों, वो सब रिक्वायरमेंट्स को फिल करना शुरू कर देंगे, तो आप ओवरऑल अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। यू विल बी लिविंग अ हेल्दी लाइफ। तो देर किस बात की है, आज ही आप इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर इंक्लूड करिए और स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी, and keep watching my channel.